हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पीर बिल्ड हाउस इंग में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंक्रीट कमजोर क्यों बनता है। कंक्रीट जब भी आप बनाते यानी कि बीम, कॉलम या स्लैब के लिए, तब कौन कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं, आपको किस तरीके से वर्क करना चाहिए, कुछ बेसिक ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका कॉन्क्रीट मजबूत बनेगा। कॉन्क्रीट यहाँ पर किस तरीके से आप सही बना सकते हैं ये भी हम बात करेंगे, वीडियो में सीधा चलेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल के नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा रेड कलर का, उसे आप प्रेस करके साइड में बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर लीजिए, तो इससे आप हमारे फैमिली के मेंबर बन जाएंगे। चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले तो कि कॉन्क्रीट कमजोर क्यों बनता। कॉन्क्रीट कमजोर बनने का कारण ये है, सीधा मैं आपको विशेष जानकारी दे देता हूं कि कमजोर बनने का कारण है वाटर सीमेंट रेशो। अब कंक्रीट बनता कैसे, कंक्रीट बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट पता होना चाहिए, यानी M15, M20, M25 ये क्या है, यानी कि इसमें हम जैसे एक भाग सीमेंट, डेढ़ भाग रेती और फिर गिट्टी या कपची जो भी आप कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो 1, 2, 4, 1, 1.5, 3 हम इस तरीके से यूज करते हैं। अब ये क्या है 1, 1.5, 3, अगर मान लीजिए आप एक घमेला, तकाली या फिर एक फर्मा आपका जो भी है उसमें अगर आप एक भाग सीमेंट डाल रहे हैं तो 2 भाग डालें, 4 भाग डालें, इस तरीके से रेशो बनाते हैं M15 जैसे बन गया। तो अब जब आप ये बना रहे हैं तो ये तो आपका परफेक्ट है, आप अकॉर्डिंग टू हर एक चीज आपने ये सही कर लिए है, लेकिन अब यहाँ पर गलतियां क्या करते हैं कि जो वर्क कर रहे हैं कॉन्ट्रेक्टर हैं इनको दिक्कत ना हो किस चीज में, जब आप मान लीजिए स्लैब कास्टिंग कर रहे हैं मानकर चलिए, तो आपको स्लैब कास्टिंग में क्या करना होगा कि बहुत अच्छे से आपको टॉवेल वगैरह चलाना होगा, बहुत ज्यादा तरीके से आपको घिसाई करनी होगी, वाइब्रेटर चलाना होगा, तो ये जल्दी से और अच्छी फिनिशिंग आ जाए। इसके कारण करते हैं पानी का ज्यादा मिलाना, जब वाटर सीमेंट रेशियो आप ज्यादा मिलाते हैं, पानी ज्यादा मिलाते हैं, तो इससे क्या होता है वर्केबिलिटी इसके आप अपोजिट मानकर चलिए, पानी आपने ज्यादा मिलाए वर्केबिलिटी आपको बहुत अच्छी मिल गई। वर्केबिलिटी क्या है, आप वर्केबिलिटी यानी कि वर्क करने की एबिलिटी, आप काम कर रहे हैं तो आपको पानी ज्यादा मिलाने से आपकी काम में जो इफिशियंसी है या काम करने की जो क्षमता है बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि आपका मटेरियल लूज हो गया थोड़ा सा, तो आप लूज मटेरियल को बहुत अच्छे तरीके से आप क्या कर सकते हैं यहां पर फिनिश कर सकते हैं, अच्छे से दबा के आप पूरा फिनिशिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसका कारण होगा कि क्रैक्स आ जाएंगे और साथ ही साथ जो आपका कंक्रीट है जिसमें जो स्ट्रेंथ मिलना चाहिए वो स्ट्रेंथ भी आपको नहीं मिलेगी। जो प्रॉपर स्ट्रेंथ अचीव करना चाहिए आपके कंक्रीट को 7 डेज, 14 डेज, 28 डेज, ये भी नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ा कारण यही है कि कंक्रीट कमजोर जब भी बनता है तब आप पानी ज्यादा मिला देते हैं आवश्यकता से अधिक, तो इसकी वजह से कंक्रीट कमजोर हो जाता है। बाकी आपके पानी में अगर मान लीजिए नमक वगैरह की मात्रा है तो ये चीज तो आप टेस्ट कर ही लेते हैं, मटेरियल कम ज्यादा करने से भी होता है कि अगर आपने रेशियो परफेक्ट नहीं किए हैं तब भी कमजोर होता है, लेकिन वो एक डायरेक्ट या प्रत्यक्ष चीज है, वो आपको भी पता होती है, लेकिन पानी ज्यादा मिलाने की बात आप लोगों को आइडिया नहीं होता कि किस तरह से मिलाना चाहिए, तो इस पर ध्यान दें। आप अगर एक बैग सीमेंट है तो उसमें 28 से 30 लीटर ही पानी मिलाए जिससे आपका कंक्रीट अच्छा बनेगा। आई होप आपको ये सारी जो जानकारी ठीक लगी हो, अगर वीडियो अच्छा लगता तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ, अब तक के लिए थैंक यू।